बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो कितनी भी गंगा हम नहा लें कोई फायदा नहीं। इसलिए मेरी माँ मन को शुद्ध करो। अच्छा, मन को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? आपके अंदर जो ईर्ष्या है, आप अपने पड़ोसी को देखकर जलते तो नहीं हैं? मैया जलती हो? जो आदमी अपने पड़ोसियों को देखकर, अपने रिश्तेदारों को देखकर, अपनों को देखकर जो ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, उनका मन बहुत अशांत होता है, उनका मन बहुत गंदा होता है। इसलिए हमारा पड़ोसी बहुत तरक्की कर गया, इस बात से हमें खुशी मनाना चाहिए। हम दुखी होके क्या करेंगे? क्या हमारे दुखी होने से उसका कुछ होना है? कहावत है, कौआ के कोसने से गाय नहीं मरती। कहावत है ये, कौआ कोसता है। कोसता मतलब कोसता जानते हैं, बद्दुआ। कौआ कहता है कि गाय मर जाएगी तो हमें इसका मांस खाने को मिलेगा। कौआ रोज कहता गाय मर जाए, पर कौआ के कोसने से गाय नहीं मरती। उसी प्रकार तुम्हारी बद्दुआओं से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है, तुम्हारे ईर्ष्या करने से किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है। बिगड़ेगा तो तुम्हारा बिगड़ेगा। इसलिए हम किसी के प्रति नफरत ना रखें, ईर्ष्या ना रखें। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हम प्रसन्न रहें। जब हम हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, तो भगवान हमें भी आगे बढ़ाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे। भारत के लोग जितना समय दूसरे का पांव पकड़ के खींचने में लगाते हैं, उतना ही समय अपने पांव को आगे बढ़ाने में लगाते तो खुद बहुत आगे चले जाते। लेकिन विडंबना तो यह है कि वो अपने आप को सफल नहीं बनाते। जो सफल हैं उनके पांव पकड़ पकड़ के खींचते हैं। क्या होगा इससे सफल? आजकल हमारे भारत में ना कोई सफल व्यक्ति है, कुछ लोग ना तारीफ भी नहीं करते। उनको लगता हम तारीफ करेंगे। कोई व्यक्ति बड़ी तरक्की कर गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन कुछ लोग जलन के कारण उसकी तारीफ भी नहीं करते। उनके मुंह से दुआएं निकलती नहीं। वो सोचता है कब इसका नाश हो, कब हम हंसें, कब कई लोगों को बड़ी खुशी, किसी के घर में आग लग जाए तो कुछ लोग बड़ी खुशी मनाते हैं, अच्छा जल गया, ठीक जल गया। ऐसे लोगों का घर पहले जलता है। इसलिए हमें सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम अपने आप को सफल बनाएं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। पर जो दूसरे लोग सफल हुए हैं मेहनत करके, हम उन्हें देखकर घृणा क्यों करें? जलें क्यों? क्या होगा तुम्हारे जलने से? इसलिए अपना मन ना बिगाड़ो, अपनी बुद्धि ना बिगाड़ो। यही है मन की अशांति, यही है मन की उथल पुथल, इसी को शांत करना। भगवान कहते हैं तन तो बहुत सुंदर है, देखो ना मोर कितना सुंदर है। मोर का तन कितना सुंदर है, पर मोर का मन बहुत गंदा होता। आपको पता है कैसे? मोर इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर है, मुझे लगता है कि मोर से सुंदर कोई नहीं, मुझे लगता है कि मोर से सुंदर कोई पक्षी नहीं है। मोर का तन इतना सुंदर है मैया, लेकिन मोर खाता क्या है? मोर को देखकर लगता नहीं है कि यह जहरीला नांग खा जाता होगा, जहरीले सांप खाता है। मोर क्या खाता है? जहरीले सांप खा जाता है।
मोर को देखकर लगता नहीं है कि यह जहर खाता होगा, जहरीला सांप खाता होगा। जरूरी नहीं है कि जिसका तन सुंदर हो उसका मन भी सुंदर हो। इसलिए भगवान तन की सुंदरता, तन की संरचना नहीं देखते, भगवान ये देखते हैं कि हमारा मन कितना सुंदर है। ना हमारे अंदर ईर्ष्या हो, ना हमारे अंदर द्वेष हो, ना छल हो, ना कपट हो। रामचरितमानस में लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा मैया, कपट क्या है? आप लोगों के अंदर कपट है कि नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मेरी माँ, आप लोगों के अंदर कपट है या नहीं? नहीं नहीं। अच्छा, आप निष्कपट हो। कपट क्या है? मुझे ज्यादा मिल जाए, मेरे भाई को थोड़ा कम मिलेगा चलेगा, ये कपट है। मैं अपना ही भला सोचूं और किसी का भला ना सोचूं, ये कपट है। मेरा पेट भर जाए, दूसरा भूखा रह जाए तो रह जाए, बस मेरा पेट भर जाए, ये कपट है। अरे जबकि हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए कि भैया तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, जब तुम सब खा लोगे तब पीछे मैं भी खा लूंगा, तुम सब ले जाओ, तुम सब ले लो, जो बचेगा पीछे मैं ले लूंगा। हम औरों को आगे करें, औरों को आगे करें, यही निष्कपटता है, निष्कपट बन के रहना। इसलिए भगवान कहते हैं कपटी व्यक्ति को हम बिल्कुल नहीं देखना चाहते, कपटी कोई भी हो। इसलिए मेरी माँ, मन को सजाना, मन सुंदर करना। आप रोज अपने मन से, अपने आप से, आप जब सोने के लिए बिस्तर पर जाना तो शांत चित्त से अपने आप से 2 मिनट बात करना। आप जरा अपने आप से पूछना कि आप किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोचते, आपके अंदर जलनशीलता तो नहीं है, जलते तो नहीं है, आप किसी से नफरत तो नहीं करते, आप किसी से घृणा तो नहीं करते। हम किसी से घृणा तो नहीं करते। अपना मुआयना करना, अपने आप को देखना, आत्मनिरीक्षण कहते हैं इसे, आत्मनिरीक्षण, अपना निरीक्षण करना, अपने आप को देखना कि हम कितने गहरे पानी में हैं। मैया जी, भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है। अच्छा गंदा पानी हो तो क्या गंदे पानी में चित्र नजर आता है, आपका प्रतिबिंब नजर आएगा? यदि आपका अपना चित्र देखना हो तो उसके लिए पानी कैसा होना चाहिए? शुद्ध पानी, साफ पानी। अरे मेरी माँ, गंदे पानी में तो आपका चित्र नहीं दिखता, फिर गंदा मन होगा तो उस गंदे मन में भगवान का चित्र कैसे दिखेगा? यदि भगवान को देखना है तो मन को शुद्ध करना होगा, मन को निर्मल करना होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उसी को मैं मिलूंगा जिसका मन बिल्कुल निर्मल होगा। निर्मल, निर्मल क्या है? एक भोला भाला, देखो निर्मलता क्या होती है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं भोला है, बहुत भोला है। आप लोग क्या बोलते हैं? बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है, सीधी साधी है, भोली भाली है। इसका मतलब जो भोली भाली है, भोला भाला है, इसका अर्थ है कि इसका मन बिल्कुल निर्मल है, साफ है, पानी शुद्ध पानी की तरह, कांच की तरह बिल्कुल पवित्र है। भोला भाला कुछ नहीं जानता, कह दो कि खड़े रहो तो खड़ा रहे, कह दो कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, ये भोला भाला निर्मल। एक बहुत बड़ा खवक्कड़ था, खवक्कड़ खाने वाला, खूब खाता था, 20-25 रोटी खा जाता था खवक्कड़। एक बहुत बड़ा खाने वाला व्यक्ति था, उसकी पत्नी बड़ी परेशान बना बना के। अच्छा कोई काम धाम तो करता नहीं,
बिल्कुल सरल भूला भाला। पत्नी कहे क्यों जी, कमा के लाओ कुछ। तो वो अपनी पत्नी से कहे ये कमाना क्या होता है तुम ही बताओ। पत्नी समझ गई कि ये बिल्कुल एक नंबर का मूर्ख है, जबकि वो बहुत सीधा था, सरल था, भोला था। उसकी पत्नी उसे कम रोटी देने लग गई, उसका बेचारे का पेट ही नहीं भरता, हट्टा कट्टा था। एक दिन उसके गांव में कुछ संत लोग आए, तो जब संत आए तो उसने देखा कि संतों का पेट बड़ा बड़ा था। उसको लगा हे भगवान, इन्हें तो बहुत मिलता है खाने को, हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हमारे हमें भी बहुत मिलेगा। तो धीरे धीरे गया, एक संत से बोला गुरुजी गुरुजी हमें भी अपनी टीम में शामिल कर लो। तो संतों ने कहा हमारी टीम में तू क्या करेगा? बोले खाऊंगा। आप लोग अच्छा अच्छा खाते हैं, हम भी खाएंगे। साधुओं को लगा अच्छा खाना तो ठीक है, खाने को तो मिलेगा, भजन करना पड़ेगा। अब वो कभी जाना ना भजन क्या होता है, ये भजन क्या होता है। साधु बोला बिल्कुल भोला, बोल राम राम, बोल सीताराम, हाँ सीताराम सीताराम। अब वो सीताराम सीताराम बोलने लगा और संतों के संग संग चला गया। जहां संत जाए तो वहीं संतों के पांव दबाए, सीताराम सीताराम कहे, और केवल खाने से उसे मतलब, लाख रुपया उसके सामने पड़ा रहे तो वो लाख रुपया को छूता भी नहीं था, उसे पता ही नहीं था कि पैसे का उपयोग क्या है, मैं क्या करूंगा। वो दाल रोटी से मतलब रखता था, जब मिल जाए तो खूब कस के खाए और वह सीताराम सीताराम गाए। साधुओं के संग चले, जहां जहां साधु जाए पीछे पीछे चले, सामान उठा के चले, सेवा करे, सब करने लगा। अब वो संतों से जुड़ गया। अब वो संत चलते फिरते 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 अयोध्या आ गए। वो सारे संत अयोध्या के थे, भ्रमण पर निकले थे, भ्रमण करके सारे संत आए अयोध्या में, आश्रम में आ गए। तो आश्रम में बढ़िया चकाचक खीर बनी, मालपुआ बने, इसने खूब खाया। अरे भगवान, हमने तो, हमारी पत्नी ने तो कभी मालपुआ नहीं खिलाए, उसने तो कभी खीर नहीं खवाई, बहुत आनंद आया। सीताराम सीताराम जपे और मालपुआ खाए। एक दिन एकादशी आ गई। अच्छा, वो रोज जाके रसोई के पास बैठ जाता था, खुशबू लेता रहता था, आज क्या बन रहा है संत जी, मालपुआ बन रहे हैं, हाँ मालपुआ। बेचारा बैठा इंतजार करता रहता कब मिलेगा। बड़ा भोला बैठा बैठा सीताराम सीताराम सीताराम, ना पूजा जाने ना पाठ जाने, गुरु जी ने कहा सीताराम कह बस, भोला भाला, ठीक है गुरु जी, सीताराम जप रहा है। एक दिन एकादशी आई, रोज की तरह वो रसोई में गया तो आज रसोई ठंडी पड़ी। अब उसने कोठारी जी से पूछा, कोठारी जी आज रसोई जली नहीं, कुछ बन नहीं रहा। कोठारी जी ने कहा भोला तुझे पता नहीं आज एकादशी, उसका नाम भोला रखा, आज एकादशी है। अच्छा, ये एकादशी क्या होती है गुरु जी? अरे बेटा, एकादशी के दिन साधु संत कुछ खाते नहीं है, आज हम सब का व्रत है। व्रत? ये व्रत क्या होता है गुरु जी? अरे बेटा, कुछ ना खाने का नाम व्रत है। अच्छा, सिंपल भाषा। अच्छा, अब वो तुरंत वो अपने गुरुजी के पास दौड़ लगाए, गुरुजी गुरुजी आज तो हम मर जाएंगे। गुरुजी बोले क्या हुआ? बोले आज कोई एकादशी नाम की बहन आई है, वो कह रही है कि कोई खाएगा नहीं। गुरुजी ये एकादशी से कहो कि जाए। गुरुजी बोले बेटा ऐसे थोड़ी जाती है एकादशी, तो गुरुजी कैसे जाएगी, इसे भगाओ, ये तो हमें मार डालेगी। क्यों मार डालेगी? गुरुजी कोठारी जी कह रहे हैं आज कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि एकादशी आई है। गुरुजी जल्दी एकादशी से कहो जाए। अब बेचारा इतना भोला, उसे पता भी नहीं कि एकादशी क्या होती है, कैसे जाएगी। गुरुजी बोले अच्छा तू क्यों मर जाएगा? गुरुजी मैं खाऊंगा नहीं तो मर नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले एक दिन तो रह जा ना। गुरुजी हम एक एकादशी रह गए तो दूसरी एकादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी हमारी व्यवस्था करो कुछ खाने की। गुरुजी बोले अच्छा देख, आश्रम का नियम है कि यहां कुछ बनता नहीं है एकादशी के दिन, तेरी इच्छा है तो तू एक काम कर, कोठारी जी से आटा ले ले, आलू ले ले,
और जो जो चाहिए ले ले, और वहां सरयू के किनारे बना के खा लेना, पर याद रखना भगवान को भोग लगा के खाना। अच्छा ठीक है। अब वो कोठारी जी से 2 किलो आटा लिया, कुछ आलू लिए, गुड़ लिया और कुछ और सामान लिया, घी लिया, चला लकड़ी। उसने सरयू पहली बार आज भोजन बना रहा है, लकड़ी उठाई, लकड़ी जलाई, जैसे तैसे उसने मोटी मोटी हाथ वाली रोटी बनाई और बना के उसने 4-6 रोटी तैयार कर ली। उसने मोटी मोटी भरता बना लिया, आलू का बनाया भरता, रोटी रखी। रोटी खाने वाला था कि गुरुजी की बात याद आ गई, गुरुजी ने कहा था ऐसे ना खाना, पहले भगवान को भोग लगाना। तो अब वो भगवान को बुलाने लगा, हे भगवान आओ, गुरुजी ने कहा है कि आपको खवाना है फिर खाना है। अब भगवान को उसने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बस उसे ये पता था कि गुरुजी रोज भगवान को भोग लगाते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि भोग लगा के खाना। अब देखो वो इतना भोला भाला, रोटियां रखी हैं, उसके मुंह में पानी बार बार आ रहा, भूख बड़ी कसके लगी है और बुला रहा है, भगवान जी आओ, भगवान जी आओ। हाँ, और जब भगवान जी नहीं आए तो रोने लगा। क्यों रोने लगा भाई? हे भगवान जल्दी से आओ, रोटियां ठंडी हो रही हैं। बुला रहा है राजा, राम आइए मेरे, राम आइए मेरे, भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए, रोने लगा। हे भगवान रोटियां ठंडी हो रही हैं, भरता भी ठंडा हो रहा है, अब नहीं आए। अच्छा, इसलिए नहीं आ रहे हो कि आपको तो मंदिर में रोज मिल जाता था, तो सुनो भगवान आज वहां कुछ नहीं मिलने वाला, आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के आए, आज वहां एकादशी आई है। गुरु जी कह रहे थे एकादशी को कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो आप भी कहीं एकादशी के चक्कर में भूखे ना रह जाएं। तो कहने लगा आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी, आचमनी, यहाँ तो आचमनी भी नहीं है, गुरु जी तो आचमनी से पानी घुमाते थे और आपको खिलाते थे, यहाँ तो आचमनी भी नहीं। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी राजा राम आइए, मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, राजा राम आइए मेरे, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। उसने कहा प्रभु जी रोज आप बढ़िया बढ़िया खाते थे, आज तो हमने रूखी रोटी बनाई है, बहुत स्वाद तो होगा नहीं, और याद रखना आज तो यहाँ आपको रोटी यहाँ खाना पड़ेगा और पानी नदी में जाके पीना पड़ेगा, यहाँ तो पानी के लिए कोई बर्तन भी नहीं है हमारे पास। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी राजा राम आइए, हे राम आओ। अच्छा, गुरुजी ने, गुरुजी से सुनता था कि भगवान राम है, भगवान को बुलाया राम जी आओ। अब भगवान उसकी ऐसी सरलता पर रीझ गए,
और भगवान आ गए, पर भगवान भी अकेले नहीं आए, दो लोग आए, राम जी अकेले नहीं, सीता माता भी आई। अब एक भगवान को उसने बुलाया और ज्यों दो देखा, तो दो भगवान को देखकर पहले उसने अपनी रोटियों को देखा, भगवान को बिठाया, भगवान आए, भगवान से पूछा, प्रभु राम आप ही हैं? हाँ हाँ मैं राम, तो मैंने तो आपको ही बुलाया था, आपके संग ये कौन है? ये सीता हमारी पत्नी है। अच्छा आपकी धर्म, अच्छा आओ, आ गए हो तो बैठो। अब उसने पत्तल लगाई, पत्तल भगवान राम जी को, एक रोटी राम जी को रखा उसने और एक रोटी माता, एक आते तो दो रखता, अब दो आए हैं तो तुम ही हिसाब, हमारा ना बिगड़े कुछ। तो उसने एक रोटी राम जी को रखी, एक रोटी माता सीता को, भरता थोड़ा थोड़ा रखा। अब राम जी खा रहे हैं और राम जी उस भक्त को देखकर कह रहे हैं, वाह इतने प्यार से तुमने बनाया है, जरा एक रोटी और दो हमें। अब उसके तो प्राण सूखने लगे कि इन्होंने मांग लिया, कहीं इनकी पत्नी भी ना मांग ले। थोड़ी देर बाद माता सीता ने कह ही दिया, भैया अयोध्या में ऐसा भोज नहीं बनता जैसा तुमने बनाया है, बड़े दिनों के बाद हमने अच्छा भोजन किया, जरा तुम भरता दे दो और एक रोटी और दो। अब राम जी ने दो रोटी खाई, दो रोटी राम जी, सीता माँ ने चार रोटी चली गई। अब उसने रोटियां बनाई कितनी थी, टोटल छह रोटियां बनी मोटी मोटी, और चार राम, अब दो बची। अब उसने सोचा कि कहीं एक एक और मांग लिए तो हमारी तो एकादशी हो ही जाएगी। तो राम जी ने कहा, बहुत अच्छी रोटी है, एक काम करो, हमारा पेट भर गया पर तुम्हारे प्रेम के कारण, एक काम करो हमें आधी रोटी दे दो। तो राम जी ने आधी और ले ली, तो माता सीता बोली, जो आधी बची वो हमें दे दो। ढाई ढाई रोटी राम सीता ने खाई, अब बची एक। राम जी बोले, अच्छा पेट भर गया, हम जा रहे हैं, चले गए। उसने रोते रोते एक रोटी खाई भरती के साथ, आ गया, हे भगवान आज तो हमारी भी एकादशी हो ही गई। दूसरी बार एकादशी आई तो गुरु जी के पास गया, बोले गुरु जी वहां दो भगवान आए थे पिछली बार, जरा राशन बढ़ा के देना हमें, 4 किलो आटा दिलवाओ, हां बल्कि 5 किलो दिलवाओ गुरुजी, भगवान ज्यादा खाते हैं। और दो भगवान आए थे, वो इतना भोला भाला, उसे पता ही नहीं कि ये भगवान हैं, वो तो बस आए और खाए चले गए। गुरुजी को लगा, हो सकता है ये बहुत खाता है तो ये अपने लिए मांग रहा भगवान का नाम लगा के। दूसरी एकादशी के दिन फिर वो भरते का सामान, आलू इत्यादि, टमाटर लेके गया, गुड़ भी लेके गया, और इस बार तो उसने आटा जरा ज्यादा लिया, 5-6 किलो आटा लिया। और आटा लिया, बढ़िया लकड़ी इकट्ठी की और इकट्ठी करके चूल्हा बनाया, चूल्हे में बढ़िया सिंगार किया, आटा गूथा, आटा लगाया और रोटियां मोटी मोटी फिर बनाई, और फिर रोटियां बनाई और रोटी बना के घी चुपड़ के रखा, फिर बुलाया, राजा राम आओ। अब बुला रहा है, राजा राम आइए, सीता साथ लाइए। अब हमने दोनों की व्यवस्था की, अब कोई दिक्कत नहीं, पिछली बार थोड़ा दिक्कत हुई थी, हम भूखे रह गए थे, आपका तो भर गया था, लेकिन इस बार आप दोनों आना। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। जैसे ही बुलाया तो भगवान आ गए, पर अब की बार भगवान अकेले नहीं आए, माता सीता तो आई, संग में लक्ष्मण और हनुमान जी, 4। अब इसके प्राण बिल्कुल सूख गए, भगवान एक को बुलाओ तो दो आते,
और दो को बुलाया तो चार। अंदर से परेशान होने लगा, तुरंत राम जी के पास गया, प्रभु ये तो आपकी पत्नी सीता है, ये तो ठीक है, हमने दो को ही बुलाया था, ये बताओ ये बंदर कौन है, बंदर काहे ले आए? बोला राम जी ने, ये बंदर नहीं है, हमारे हनुमान जी हैं, हमारे साथ रहते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ये कौन है? ये हमारे भाई लक्ष्मण है। उसने कहा, राम जी भगवान हमने तुमको बुलाया ही नहीं था। राम जी बोले, पिछली बार तुमने रोटी बनाई और हमने जब सबको जाकर बताया कि तुम्हारी रोटी और भरता बहुत अच्छा था, तो इन लोगों के भी जीभ में पानी आ गया, बाकी तो सब समझ गए पर ये दो नहीं माने कि हम भी खाएंगे। अब उसने कहा, अब आए हो तो बैठो। अब उसने पत्तल लगाई चार, और इस बार उसने राम जी और सीता जी को तो दो दो रोटी रखी, पर हनुमान जी और लक्ष्मण जी को एक एक रोटी रखी भरते के साथ। खूब रोटियां खिलाई, हनुमान जी खा रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया रोटी है भगवान, एक और दो, एक और दो। लक्ष्मण जी भी बोले एक और दो, माता सीता ने भी कहा एक और दो। अब की बार सब खा गए, इसके लिए बस एक ही बची। फिर इसने भगवान को विदा किया, अब जाओ प्रभु, और फिर इसने एक रोटी खाई भरते के साथ, फिर उदास घर आया। तीसरी एकादशी आई, गुरु जी इस बार कम से कम 20 किलो आटा चाहिए। क्यों 20 किलो आटे की रोटियां तू खा जाएगा भगवान? उसने कहा, मैं थोड़ी खाता हूं, मैं तो एक ही खाता हूं, तुम्हारे भगवान सब खा जाते हैं। तुम्हारे भगवान एक को बुलाओ दो भगवान आते हैं, दो को बुलाओ, पिछली बार चार भगवान आए थे। अच्छा गुरुजी को लगा ये क्या कह रहा है। अब गुरुजी भी इस बार 20 किलो आटा देते हैं, ये सिर पे रख के चला, आलू भी बढ़ा के दिए। गुरुजी को लगा इस बार मैं चल के देखूं कि क्या करता है। इस बार ये गया और सरयू के किनारे 20 किलो आटा रखा और भरता का सामान रखा, और इसको लगा कि इस बार क्या करूं कि पहले ही भगवान को बुला लूं, देखूं कितने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि इस बार बहुत लोग आए, उस हिसाब से बनाऊंगा। तो इस बार इसने कुछ बनाया नहीं, पहले ही बुलाया। इसने कहा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण को साथ लाइए, हनुमान जी को साथ लाइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। और जब इस बार इसने बुलाया, इसने चतुराई की कुछ नहीं बनाया, भगवान को बुला लिया। और अब की बार भगवान आए तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों के परिवार से सबकी स्त्री मती जी, चार दुनिया आठ वो, और तो और हनुमान जी आठ और एक नौ, नौ। अब ये दंग रह गया, हे भगवान इस बार मैं बना लिया होता तो एक भी मुझे ना मिलती जो हर बार एक मिलती थी। भगवान आए, भगवान बोले हाँ परोसो रोटी। उसने कहा, नहीं बनाई हमने, हमें पता था कि तुम इतने लोग आओगे, इतने सारे भगवान आते हो, हम थोड़ी बना पाएंगे इतना सारा। एक काम करो, ये रखा है आटा, ये आलू रखे अपना बनाओ, और बना के फिर हमें खिलाना। अब राम जी उसकी बातों पर रीझ गए, उसकी सरलता ऐसी थी, सहजता ऐसी थी। अब सीता माँ रसोई तैयार करने लगी, भरत जी आटा गूथने लग गए, लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लग गए, और लक्ष्मण जी लकड़ी ला रहे हैं, हनुमान जी सेवा में लग गए, पानी भरने लग गए सरयू जी का, और सभी भोजन तैयार करने लग गई। और जब भोजन तैयार हो गया, उसकी खुशबू स्वर्ग तक पहुंच गई, आज माता जानकी ने भोजन बनाया, वहां से देवता लोग आ गए। इसको लगा, हे भगवान ये कौन, जो बचती तो ये कौन है।
रोटियां 20 किलो की कुछ ज्यादा बनी, उसको लगा ये तो 9 लोग हैं, दो दो भी खाएंगे तो कुछ हमें बचेगा, चार चार भी खाएंगे तो ज्यादा बचेगा। पर जब उसने आकाश की तरफ देखा तो देवताओं की भीड़ लगी, सब कह रहे हैं कि एक एक दाना ही हमें, एक एक तिनका ही हमें पहुंचा दो, हम माता सीता के हाथों का भोजन प्रसाद रूप में खाएंगे। अब इसके गुरुजी छिप करके देख रहे थे, गुरुजी आ गए। गुरुजी बोले क्यों रे बनाता क्यों नहीं है? गुरुजी बोले क्यों नहीं बनाता? उसने कहा गुरुजी पिछली बार एक भगवान को बुलाया था दो आए थे, फिर दो को बुलाया ईमानदारी से तो चार आ गए, अब चार को बुलाया तो 9 आए हैं, 9। अब क्या चाहता है? गुरुजी बोले कहां है तेरे भगवान, हमें तो नजर नहीं आ रहे। बोला गुरुजी ये बैठे तुम्हारे भगवान ये भरता रोटी खा रहे हैं, हमारे लिए तो एक भी इस बार नहीं लगता कि बचेगी। गुरुजी बोले हमें तो नजर नहीं आ रहे तेरे भगवान। तो इसने बड़ी सरलता से राम जी के पास जाकर कहा भगवान जी आप हमारे गुरुजी को दिखते नहीं है क्या? हमारे गुरुजी कह रहे हैं कहां भगवान, तुम तो सामने बैठे हो। राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा जितनी सरलता जितनी सहजता तुझ में है इतनी सरलता सहजता तेरे गुरुजी में थोड़ी है, हम बैठे सामने ही है पर जिनकी आंखों में अहंकार की पट्टी नहीं है, जिनकी आंखों में सरलता है, जिनके हृदय में सरलता, जिनका मन निर्मल है उन्हें तो हम दिख रहे हैं, और जिनके मन में कोई कपट भरा है उनके सामने हम हैं तो पर उन्हें नजर हम नहीं आ रहे। तब ये चरणों में गिर के बोला गुरुजी हमारे गुरुजी को, हमारे गुरुजी को तो दर्शन दे दो। तब भगवान बोले तेरी सरलता के कारण आज तक गुरु अपने शिष्य को भगवान तक पहुंचाता था, लेकिन आज तुझ जैसे शिष्य ने अपने गुरु को मुझ तक पहुंचा दिया। भगवान ने सबको दर्शन देकर गुरुजनों को कृतार्थ किया। कहने का तात्पर्य यह हुआ इस कथा से कि भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका हृदय बिल्कुल शुद्ध होता है, निर्मलता होती है, कोई कपट ना हो, कोई ईर्ष्या ना हो, निर्मल मन हो। पूतना मौसी का मन बड़ा कपटी था ना, छल था, इसलिए पूतना के स्तनों में जहर भगवान ने देख लिया। पूतना ने भगवान को उठाया, स्तन पान कराया, थोड़ा सा दूध था भगवान ने दूध पिया, थोड़ा सा जहर था भगवान ने जहर पिया। अब पूतना को पकड़कर भगवान प्राण पीने लगे। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। पूतना भगवान को लेकर भागी। भगवान ने प्राणों का पान किया, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान पूतना का उद्धार करते हैं। जो गति भगवान ने माँ यशोदा माँ देवकी को देनी चाहिए वही गति भगवान पूतना मौसी को देते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अच्छा भगवान के लिए कोई दुश्मन नहीं होता मेरी माँ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसको भी उसी भाव से भजते हैं। पूतना ने भगवान को स्पर्श करके अपने समस्त पापों को समाप्त कर लिया और भगवान ने सदगति की। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघांसया पा यदाप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोण्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजे मा। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। देखो तो जरा वह गति दे दी जो गति को बड़े बड़े संत तरसते हैं।
उसके बाद नंद बाबा ने कंस का कर चुका कर जब लौटे, पूतना के शरीर को चिता पर रख के जलाया, उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद भगवान ने शकटासुर का छकड़ी पियाकर बैठा शकटासुर का उद्धार कर दिया। फिर भगवान ने तृणावर्त का उद्धार कर दिया। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार होता है। हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में कितने संस्कार हैं मेरी माँ? 16 संस्कारों की विस्तृत चर्चा है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि बच्चों को धन दौलत बाद में देना, बच्चों को धन दौलत बाद में देना, जमीन जायदाद बाद में देना, बच्चों को पहले संस्कार दे देना। संस्कार दे दिया तो सब बढ़िया है, पर संस्कार नहीं दिया तो सब दे भी दिया तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला। इसलिए मेरी माँ सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, आप क्या दें बच्चों को? क्या दें? संस्कार। पैसा देखो, संस्कार होंगे तो पैसा आ जाएगा, और संस्कार नहीं है और तुम पैसे दे भी दोगे तो क्या गारंटी है कि वो पैसे बचेंगे? जो दिए वो भी उड़ा देगा। इसलिए संस्कार दोगे, तौर तरीका सिखा दोगे तो जीवन में कभी वो परेशान नहीं होगा। आज जीवन में परेशानियां क्यों हैं? समस्याएं इसलिए हैं मेरी माँ क्योंकि आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। आप मार कहां खा जाते हैं संस्कार देने पर। आप अपने बच्चों को बातचीत करना तक नहीं सिखाते, कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों से कैसे बातें करनी चाहिए, है ना? अपने से बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चे गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बच्चों को तो हमने देखा वो अपनी माँ को गालियां दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। क्यों देते हैं? क्योंकि आपने उन्हें रोका नहीं, आपने उन्हें बताया नहीं कि बेटा ये बात गलत होती है। छोटे बच्चे हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तू तड़ाक करके बात करते हैं, रे और बे जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुरंत माँ को चाहिए, बाप को चाहिए बच्चों को थप्पड़ जमा के समझाए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना, बात करना सिखाओ। यही संस्कार है। आगे चल के जब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, व्यापारी बनेंगे, तो उसमें सबसे प्रधान चीज क्या होगी बोलो? आपकी बातचीत। हाँ या ना? आप जितनी अच्छी बातचीत कर पाते होंगे मेरी माँ, सुलझी हुई बातें करनी चाहिए। कई लोग बहुत कुछ बताते हैं पर समझ में कुछ नहीं आता। हमने एक घंटे तक आपसे बात की पर समझ में कुछ नहीं आया, तो एक घंटे तक बात करने का कोई अर्थ निकला? और हमने केवल 2 मिनट आपसे बात की, अपना हमने आपको सब समझा दिया 2 मिनट में। तो बच्चों को ऐसे संस्कार दो कि वो बातें अच्छी करें, क्योंकि आने वाले उनके भविष्य में किसी भी काम को वो करेंगे तो उनके बातचीत का ढंग पहले देखा जाएगा कि नहीं। आप कैसे, आप अपने घर में कोई नौकर रखते हैं तो नौकर रखने के पहले भी आप उसके बातचीत का ढंग देखते हैं? गलत बातें तो नहीं करता? गलत ढंग से बातें करता हो तो आप नहीं रखते उसको, अच्छे से बात करें, उसको बोलने का तरीका आए। तो ये आप अपने बच्चों पर भी प्रयोग कीजिए, ये बच्चों के काम आएगा कल के लिए। आप बिजनेस करिए। अच्छा आज मैं बताऊं, आज जिसका, आज बाजार में किराने की 10 दुकानें हैं लेकिन कोई एक दुकान ज्यादा चलती है। कभी आपने गौर किया बाजार में? बाजार में किराने की 10 दुकानें होती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बाजार में किराने की 10 दुकान होती हैं लेकिन कोई एक दुकान ज्यादा चलती है। क्या आपने कभी सोचा नहीं कि ये दुकान ज्यादा क्यों चलती है? क्योंकि उस दुकान में जो बैठा दुकानदार है उसका व्यवहार अच्छा है, बोलने चलने का ढंग अच्छा है, वह इंसान की रिस्पेक्ट करता है, सामने वाले का आदर करता है, इसलिए ग्राहक उसकी तरफ जाता है कि यार ये हमारे हमारा सम्मान करता, आते हैं तो अच्छे से बात करता, हंसता है, हंस के बात करता है, ये कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करता है, सुधार करता है। ये हिसाब किताब का गलत आदमी नहीं है, बिल्कुल बढ़िया आदमी है। ना 1 रुपये ज्यादा लेता है ना 1 रुपये कम लेता, बराबर करता है। मतलब कुल मिला के आदमी को विश्वास जीतना पड़ता है, और ये विश्वास जीतना कहां से आएगा?
बातचीत, आपका व्यवहार। आप जीवन में कितना भी तरक्की कर जाइए मेरी माँ, आपका व्यवहार मरते दम तक आपके काम आएगा, हाँ या ना? इसलिए हम सभी को व्यवहार कुशल होना चाहिए। गृहस्थ जीवन में तो सबसे बड़ी जरूरी है, जरूरत है व्यवहारिकता। लोग कहते ना कि ये व्यक्ति बहुत व्यवहारिक व्यक्ति है। व्यवहार जानती हो मेरी माँ, जो बुलाए उनके घर सम्मान से जाना चाहिए। बुला रहा है, आदर से जाओ, हंसते हुए जाओ, उसके बारे में अच्छा कहो, वो आपको बुला रहा है, सम्मान करो उसका। हंसो, लोग तुमसे पैसा थोड़ी चाहते हैं, केवल होंठों पे स्माइल लेके चले जाना, सामने वाला खुश हो जाएगा। और कोई आपके घर आए तो स्माइल के साथ उसका स्वागत कर देना, भाई साहब आइए, गले लगा लेना, सामने वाला खुश हो जाएगा। कोई तुम्हारा धन लेने नहीं आता, सब अपना सम्मान चाहते हैं, इसलिए सम्मान देना सीख लो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे भारत में SBI बैंक है, ये सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक SBI बैंक है, और प्राइवेट बैंक बहुत सारी हैं। सरकारी बैंक में लोग खाता केवल इसलिए खुलवाते हैं कि जो सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं तो वो सरकारी बैंक, क्योंकि उनकी पेंशन, उनकी तनख्वाह उसी बैंक में आती है। लेकिन सच्ची बताऊं मेरी माँ, SBI के जितने कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, उनसे ज्यादा ग्राहक प्राइवेट बैंकों के पास है, हाँ या ना? कभी आपने सोचा कि क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक का व्यवहार अच्छा नहीं होता सामान्य नागरिक के प्रति, हाँ या ना? आप लाइन में खड़े रहते हैं, जब आपका नंबर आता है तो आपके साथ आदर से बात नहीं की जाती, आपका आदर नहीं किया जाता। जबकि प्राइवेट बैंकों के कर्मचारियों को बैंक सिखाती हैं कि कस्टमर ग्राहक से अच्छे से बात करना है, उसकी सारी समस्याएं सुनना है और सुन के उस पर अमल करना है। सरकारी बैंक में आपकी सुनवाई कम होती है, जबकि प्राइवेट बैंक में आपकी सुनवाई तुरंत होती है। इसलिए प्राइवेट बैंक में लोग अपना खाता खुलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां व्यवहार होगा व्यक्ति वहीं जाएगा, सिंपल है। इसलिए हमारे जीवन में हमें कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए बोलो मेरी माँ? व्यवहारिक। ये क्या है? ये संस्कार है। हम व्यवहार कुशल हैं, ये क्या है? जो आदमी, जो माँ अपने बेटे को संस्कार देगी, जो बाप अपने बेटे को संस्कार देगा, वही बेटा वही बेटी संस्कारी होकर व्यवहार कुशल होगी। नहीं तो व्यवहार कुशलता सबके बस की बात नहीं है। 100 में से 95 लोग व्यवहार कुशल नहीं होते, केवल 5% लोग व्यवहार कुशल होते हैं। बात समझ में आ रही है? 100 में से 95 लोग व्यवहार कुशल, भारत में 95% व्यवहार कुशल लोग नहीं है, ओनली 5% व्यवहार कुशल लोग रहते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को पहले व्यवहार कुशलता सिखानी होगी, कैसे बात करना है, काम कैसे कराना है। संस्कार बच्चों को लड़कपन से, बोलने के संस्कार। आपके बच्चों को झाड़ू लगाना आता है कि नहीं? झाड़ू लगाना बच्चों को आए, कपड़े धुलना बच्चों को आए, भोजन बनाना बच्चों को आए, पढ़ना लिखना तो अच्छा है कि आप पढ़ रहे हैं, सब होना चाहिए, पर सब के साथ साथ आपको भोजन बनाना आना चाहिए। भोजन बनाना क्यों आना चाहिए महाराज जी? दो कारण है। पहला तो ये कि कल को कोई मुसीबत पे आपको अपने घर पे भोजन बना के खाना पड़ा तो आपको आएगा, तो आप भूखे नहीं मरोगे, पहला। दूसरा ये कि जब हम भोजन बनाने लग जाते हैं तो हमें फिर अपनी माँ की और पत्नी की कदर समझ में आती है। हमें पता चलता है कि हमारी थाली पे जो रोटी आई है उसे बनाने के लिए हमारी माँ या हमारी पत्नी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यदि बच्चा बनाएगा तो जानेगा कि भाई ये भोजन मेहनत से बनता है, इसका ऐसे अन्न का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों को सबक मिलेगी, सीख मिलेगी।
क्या है, हमें बिना मेहनत का कोई भी, आपको बिना मेहनत का हीरा भी मिल जाए ना मेरी माँ, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। जो लोग कहते हैं, एक आदमी था वो कहता पत्नी भोजन बनाए, अरे तुमने तो गोबर बना दिया, कोई स्वाद ही नहीं तुम्हारे भोजन में। माँ भोजन बनाए, अरे माँ तुमने तो गोबर बना दिया, कोई स्वाद ही नहीं तुम्हारे भोजन में। एक दिन उसके घर में कोई गुरुजी आ गए, गुरुजी से उसकी पत्नी और उसकी माँ ने शिकायत की, महाराज ये हमारा बेटा भोजन ठीक से नहीं करता, कुछ भी अच्छा बना के तो कहता गोबर बना दिया, ना पत्नी के हाथ का पसंद है ना तो माँ के हाथ का, गुरुजी आप इलाज करो। गुरुजी ने कहा बेटा आज हम तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे, आज तुम्हारी माँ के हाथ का नहीं तुम्हारी पत्नी, आज तुम बनाओ। आज पहली बार वो रसोई गया, आटा निकाला पानी डाला तो आटा बिल्कुल बह गया गीला, उसने फिर आटा डाला, उसको आटा बनाने में ही बड़ा टाइम लगा, आटा मारने में गूथने में, जैसे तैसे उसने आटा तो गूथ लिया, रोटी बनाया तो रोटी एक जम्मू कश्मीर जा रही थी, एक कन्याकुमारी जा रही थी। अब रोटी जैसे तैसे उसने बनाया और जब सेकने के लिए गया तो रोटी बिल्कुल जल गई, एक भी रोटी फूली नहीं, रोटी बिल्कुल मुर्दे की तरह अकड़ के खड़ी, बिल्कुल लंबी लंबी रोटी बनाया बिल्कुल काली, सब्जी बनाया हल्दी हल्दी भर दिया, कोई स्वाद नहीं, सब बनाया इसने। गुरुजी ने कहा तेरी आंत का खाएंगे तू ही बनाना, और जब गुरुजी ने कहा चल अब बन गया तो ला थाली में परोसा, गुरुजी ने कहा तू भी यहीं बैठ और तू भी खा मेरे साथ। गुरुजी ने एक रोटी उसको दी लंबी वाली काली बिल्कुल काली बिना फूली, खा खाया, और जब अपने हाथ की रोटी अपने साग के संग खाया तो अपनी मां की तरफ देखने लगा, पत्नी की तरफ देखा, उसने मन में सोचा कि रोज जो खाता था वो तो इससे अच्छा था, रोज का भोजन तो इससे अच्छा था। आज उसे ये पता चल गया कि भोजन बनाना कितना कठिन काम है, परंतु हमें जो अन्न मिल जाए उस अन्न का हमें सम्मान करके उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्न का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। आज उसे गुरुजी ने यह सबक दे दी, और उसके बाद गुरुजी ने कहा बेटा जो मिल जाए वो खाना चाहिए, प्रसाद है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ तुम्हारे से अच्छा बनाती है फिर भी तुम्हें पसंद नहीं है, खाया करो सम्मान के साथ इज्जत के साथ खाया करो। कुल मिला के हम आपसे ये कह रहे हैं अपने बच्चों को संस्कार देना बचपन से स्टार्ट कर देना, कल को आपको रोना ना पड़े, संस्कार नहीं दोगी तो कल को आपके बच्चे आपको बहुत परेशान करेंगे। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जरा सा रोने लग गए मोबाइल दे दिया, जरा सा कहने लग गए मोबाइल दे दिया, क्या होगा, ये मोबाइल के इतने आदि हो जाएंगे कि ये दिन रात मोबाइल देखेंगे, फिर तुम इनसे मोबाइल मांगोगे तो ये रोएंगे मोबाइल के लिए, और जोर लगा के मांगोगे तो ये तुम्हें थप्पड़ भी मारेंगे कि हमें मोबाइल दो। वो नहीं जा मैया, बच्चों को ये ना बताया करो कि मोबाइल की वैल्यू क्या है, ये बताया करो कि माँ बाप की वैल्यू क्या होती है, माँ कौन होती है, पिता कौन होता है, रिश्ते क्या होते हैं, इस बारे में कौन बताएगा। आज आप एक माँ ने हमसे बताया, बहुत दिनों की बात है, एक माँ ने हमसे बताया कि महाराज जी मैंने अपने बेटे को मोबाइल दे दिया, छोटा सा था एक लौता बेटा था, बुढ़ापे में पैदा हुआ, बड़ा लाड़ बड़ा प्यार था, पिता ने मना किया मोबाइल ना दिलाओ, पर मेरी माँ की जिद थी कि बच्चा एक है मांग रहा दे दो, दे दिया। अब वो पढ़ाई लिखाई तो कुछ करता नहीं, दिन भर मोबाइल चला दिन भर मोबाइल, फिर बोला बड़ा मोबाइल चाहिए, माँ ने बड़ा दिला दिया। 18 साल का हो गया कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता, स्कूल से कंप्लेंट आती है तुम्हारा बच्चा पढ़ता नहीं, एक दिन माँ ने मोबाइल छीन लिया, क्यों रे पढ़ता नहीं है मोबाइल चलाता, और माँ ने मोबाइल छीना
तो उस बेटे ने अपनी माँ के गाल में जोर का थप्पड़ जमाया। वो माँ मेरे सामने आकर रो रही थी और बता रही थी, महाराज जी मेरे बेटे ने मुझे मारा, मैं गलती मेरे से हुई कि मैंने बच्चे को उस समय मैंने गाल पर दो थप्पड़ मारा होता तो आज मेरा बेटा मुझे गाल पर थप्पड़ ना मारता। सही समय मेरी माँ, प्यार करना बुरा नहीं है बच्चों से, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां थोड़ा थोड़ा दंड देना भी जरूरी है। मोबाइल बच्चों को बिल्कुल ना देना मेरी माँ, उतना ही देना जितनी क्लास के लिए, आजकल तो ऑनलाइन क्लास का भी सिस्टम है, उतना देना जितनी आवश्यकता है, अधिक नहीं, नहीं तो बिगड़ जाएंगे, जिम्मेदार आप होंगे। बच्चों को संस्कार देने में लापरवाही ना करो, बिल्कुल नहीं। कैसे बोलना, उनकी बातें कैसी हो, घर में कोई आए तो उनको प्रणाम करना सिखाओ, बच्चों को सिखाओ कि माथा रख के जमीन में माँ बाप को प्रणाम करते हैं। आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं कि नहीं मैया? कौन कौन माँ बाप अपने बच्चों को गीता पढ़ाते हैं, जरा हाथ उठाओ। रामायण पढ़ाते हैं कौन कौन, हाथ उठाओ। मत दो तुम और सो मन लगा के, करो लापरवाही। संस्कारहीन व्यक्ति वैसा ही है जैसे हंसों की सभा में कौआ की कोई शोभा नहीं होती। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता शत्रु है जो अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देती। माता शत्रु पिता वैरी, वह पिता दुश्मन है जो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता। क्या दिया तुमने अपने बच्चों को, जमीन जायदाद दे दिया, ये कोई देना है? जमीन जायदाद दे दिया, सोना चांदी दे दिया, ये कोई देना है? ये तुम मत दो, ये तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों का ही है। तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारा सोना, तुम्हारी चांदी तुम्हारे मरने के बाद किसका है, किसका है बोलो? वो तो तुम्हारे बच्चों का है ही, वो तो बच्चों को मिलेगा ही। मेरी माँ ये मत दो, ये तो उनका ही है। संस्कार देने के लिए तुम माँ बाप हो, संस्कार दो, जमीन जायदाद तुम्हें मिल ही जाएगी। आज माँ बाप संस्कार नहीं देते, बस बेटा पेट भर लेना, कैसे भी अपना बस पेट भर लेना। आपका बेटा आज 50,000 रुपए लेके आया, आपने कभी पूछा बेटा ये 50,000 कहां से ले आया? नहीं पूछा, नहीं पूछा। अरे पूछा करो माँ, कहां से ले आया, कहीं तू किसी का गला दबा के तो नहीं ले आया? कमाई करना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर बच्चों को ये बता के भेजा करो कि बेटा मेहनत और ईमानदारी का ही धन लेकर के घर में आना, बेईमानी का पैसा इस घर में मत लाना। करोड़ों ही क्यों ना हो, करोड़ों मत लाना बेटा, तुम 50,000 ही लाना, पर मेहनत का लाना, ईमानदारी का लाना। ये कौन सिखाएगा? आप नहीं सिखाओगे, कौन सिखाएगा? आज देख रहे हो कितना भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग भी तो किसी माँ के बेटे ही होंगे। काश उनकी माँ ने उन्हें सिखाया होता कि बेटा ईमानदारी से कमाना। हर माँ अपने बेटे को सिखाने लगे ईमानदारी का पाठ तो भारत से भ्रष्टाचार समाप्त तो हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई माँ तो होगी ना हर बच्चे की। लेकिन सिखाता कौन है? बस बेटा पेट भर लेना, किसी का गला दबाना हो दबा देना, मारना हो मार देना। आजकल तो लोग मजदूर से भी पैसे भ्रष्टाचार के ले लेते हैं। एक ट्रेन में हम यात्रा कर रहे थे, ट्रेन चल पड़ी, एक गरीब आदमी ट्रेन में चढ़ गया, रिजर्वेशन वाले डिब्बे में, वहीं हम बैठे थे। टीटी ने देख लिया, हाँ जी टिकट। उसने कहा भाई साहब ट्रेन चल पड़ी, हमारे पास जर्नल की टिकट है, आगे हम उतर के चले जाएंगे, ट्रेन छूट जाती यदि हम ना बैठते तो। वो सब कह रहा था कि मैं आगे चला जाऊँ ना, तुम आ गए हो, चलो फाइन लगेगा, 500 रुपये निकालो। उसने कहा भाई साहब 500 होते तो रिजर्वेशन ही करा लेता, जर्नल की टिकट लेके क्यों चलता? वो बोला मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करने जा रहा हूँ,
काम से जा रहा हूं, करूंगा तो ना खाऊंगा, ना टीटी तो टीटी ना, हम तो साहब हैं, 500 रुपए निकालो। इतना परेशान किया कि बेचारे ने 500 रुपए जो रखे थे कि जाते ही तो उसको काम मिलेगा नहीं, एक दो दिन तो ढूंढने में लगेगा, कुछ तो खाना पड़ेगा, तो जो रखा था उसने दे दिया। मतलब सामने वाला ये नहीं सोचा कि ये गरीब है। और ट्रेन में चढ़ गया तो कोई बहुत बड़ा कानून तो नहीं तोड़ दिया उसने। आज हजारों करोड़ रुपए बैंक का खा के विदेश भाग जाते हैं लोग, तब तो उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती। होती भी है, होनी भी चाहिए, पर एक सामान्य व्यक्ति को, एक कोई व्यक्ति परेशान, मेरा सिद्धांत यह है कि गलती यदि किसी से हुई उसे समझा दिया जाए। वो कह रहा कि मजदूरों ने देखने से भी पता चल रहा गरीब आदमी है, उसे तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। लेकिन नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है अपना रुतबा दिखाने की कि मैं तो साहब हूं, देना तो पड़ेगा, मैं देखो इतना ईमानदार हूं। ये देखो ये गलत है। अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये जरूर सिखाना कि किसी का एक रुपए भी गलत ढंग से ना आए। अब उसने 500 रुपए दे तो दिया और टीटी साहब ने जेब में भी रख लिया। अब वो जब अपने शहर गया मजदूरी करने, वहां 2 दिन काम नहीं मिला, 500 रुपए ही थे, भोजन नहीं किया, भूखा मरेगा तो उसकी भूख का पाप किसे लगेगा? किसे? टीटी साहब को लगेगा? फिर याद रखना मेरी मां, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। विडंबना तो ये है कि आदमी को आज, इसलिए कहता हूं मेरी मां, बच्चों को आपने संस्कार दिए होते तो उनके ये व्यवहार ना होते, ये देश के प्रति ये व्यवहार शोभा नहीं देता। हां कोई गलत कर रहा उसे दंड मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं कि किसी का 500 ही था, तुमने 500 ही छीन लिए, और वो 500 तुम यदि अपने बच्चों को, उस 500 की यदि टॉफी, उस 500 का यदि कुछ तुमने अपने बच्चों का खिलाया, पचेगा नहीं साहब, नहीं पचेगा। इसलिए आज भारत में लोगों के पास पैसा बहुत है पर शांति नहीं है, इसलिए क्योंकि तुम्हारा पैसा गलत ढंग से आ रहा है। पहले ये देखो कि आपका पैसा कैसे आ रहा है, मेहनत का आ रहा है कि बेईमानी का आ रहा है? बेईमानी का ना आवे घर में, मेहनत का आवे। दे रही है सरकार हमें तनख्वाह, दे रही है बहुत है। आज सरकारी अफसर को यदि सरकार 50,000 रुपए दे रही है तो क्या 50,000 से गुजारा नहीं होता मेरी मां? बोलो हां या ना। लेकिन आदमी की भूख लाख की है और वो लाख पाने के लिए 50 सरकार से लेता, 50 भ्रष्टाचार करता, उसे लगता हम इससे बड़े आदमी हो जाएंगे। अरे तुम 50,000 सरकार का लेते और ईमानदारी से सरकार की नौकरी करते तो वो 50,000 ही तुम्हें सुख देता। तुम भले लाखों कमा लो लेकिन वो लाख तुम्हें सुख नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता। शांति तो उन 50,000 में ही है जो ईमानदारी से तुम्हें सरकार दे रही है। संस्कार देना मेरी मां, सोचो सोचो जरा कि यदि भारत का हर नागरिक, हर व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो गया तो बताओ मेरे देश का विनाश हो जाएगा कि नहीं? हां या ना? तो क्या आप अपने देश का विनाश करना चाहते हैं? नहीं। यदि आप अपने देश को विनाश से रोकना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों को, आज तुम्हारा बेटा बड़ा अफसर है तो मेरी मां तुम अपने बेटे को फोन लगाकर कहना कि बेटा जितना भी कमाना बस ईमानदारी से कमाना, हम घास की झोपड़ी में रह लेंगे पर ईमानदारी के साथ रहेंगे, हम सोने की लंका में बेईमानी करके नहीं रहना चाहते। हमारी झोपड़ी घास की होगी पर कम से कम ईमानदारी की तो होगी, बेईमानी की लंका भी आ गई तो हमें पचेगी क्या? रावण के पास आई तो थी लंका बेईमानी की, क्या पची? रावण ने भी बेईमानी की थी अपने गुरुजी के साथ। रावण के गुरुजी भगवान शंकर, शंकर जी ने अपने लिए लंका बनवाई थी माता पार्वती के कहने के लिए, लेकिन चेला गया ग्रह प्रवेश कराने, बोला हमें लंका दे दो गुरुजी, हम आपसे मांग रहे हैं, लो ये बेईमान, बेईमानी से लंका ले लिया। माता पार्वती ने कह दिया देख तूने हमारा घर छीन लिया रावण,
अब तो इस घर में कभी सुखी नहीं रहेगा। जिस दिन से रावण लंका में रहा है, सच कहता हूं मेरी मां, सुखी नहीं रहा। आप लोग ये समझ जाएं, बहुत कुछ समझ लेंगे आप। भ्रष्टाचार तब समाप्त होगा जब आप अपने बच्चों को संस्कार देंगे। सरकार ने जितनी कोशिश करनी थी भ्रष्टाचार खत्म करने की कर ली, अब आप कोशिश कीजिए संस्कार दे करके। मैं अपनी बात बताऊं मेरी मां, यदि मुझे यहां 10 करोड़ रुपए भी पड़े हुए मिल जाए तो मैं 10 करोड़ को भी छू ना, अपने एक इस उंगली से भी ना स्पर्श करूं। मुझे पता है कि मैं मेहनत करके ईमानदारी से जो 100 रुपए कमाता हूं, 1000 रुपए कमाता हूं, वो मेरा 1000 रुपए 1000 करोड़ के बराबर है। और ये बेईमानी का ये 10 करोड़ रुपया यहां रखा है, यदि मैं इसे उठा लूंगा ये मेरी बुद्धि बिगाड़ देगा। मैं नहीं उठाता पैसा बेईमानी का, ईमानदारी से जो आप देते हैं वो रख लेता हूं। पैसों की कोई लोभ लालच नहीं होनी चाहिए। क्या हम अपना पैसों के लिए ईमान बेच दें? बताओ, ईमान बड़ा होता है कि पैसा बड़ा होता है? बोलो क्या बड़ा है? फिर तुम ईमान बेच रहे हो पैसों के लिए? क्यों? हाथ जोड़ के कहता हूं मेरी मां, अपने बच्चों को ईमानदार बनाना बेटा। नमक रोटी खा लेना पर बेईमानी ना करना। नहीं पचेगा धन मेरी मां, नहीं पचेगा। अधिक बेईमानी करने लग जाओगे, आगे चल के तुम्हारा वंश रुक जाएगा। स्टॉप, खत्म। भगवान कहेंगे तुम जैसे बेईमानों का वंश बढ़ा के क्या फायदा? अभी तो देखो ईश्वर की लाठी तुम पर चल नहीं रही है, अभी तुम्हारे छोटे छोटे पाप हो रहे हैं। जरा पाप का घड़ा भरने दो, जब भर जाएगा और जब दंड मिलेगा तो बहुत बहुत कष्ट मिलेगा मेरी मां। इसलिए अभी सावधान हो जाने में कोई बुराई नहीं। कह दो अपने बच्चों को ईमानदारी से जिया करें, ईमानदारी से रहा करें। सरकारी नौकरी पे हैं आप, प्राइवेट नौकरी में, भगवान करे आप खूब तरक्की करो, लेकिन ईमानदारी से करो अपना काम। जो 6 घंटे का, 7 घंटे की, 8 घंटे की तुम्हारी ड्यूटी है, ईमानदारी से करो, मेहनत से करो। तुम मेहनत से अपनी ड्यूटी निभाने लग जाओगे तो जितना तुम मेहनत से पा रहे हो उसी मेहनत का धन फलता फूलता जाएगा। मेहनत का पैसा फलता भी है मेरी मां। 1 रुपए 10 रुपए का काम करता है मेहनत का, और बेईमानी का 10 रुपए भी 1 रुपए का काम नहीं कर पाता, बह जाता है पानी की तरह। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा पैसा पानी की तरह बह रहा है, कुछ दिखता नहीं है। अर्थ यही है, गलत ढंग से आएगा तो देखेगा थोड़ी कि कहां से आ रहा कहां चला जा रहा है। बच्चों को संस्कार दीजिएगा। आजकल मां बाप अपने बच्चों को संस्कार के लिए बिल्कुल जागरूक नहीं है। आज हमारे भारत में मां बाप अपने बच्चों के लिए दहेज मांगते हैं। मेरा बेटा 10 लाख का खरीदना है आपको, मेरा बेटा 20 लाख का खरीदना है, मेरा बेटा 30 लाख का। आज मां बाप बोलियां लगा रहे हैं। जो लड़का मैं गांव में देखता हूं जो 1 रुपए नहीं कमाता वो 10-10 लाख रुपए मांग रहे हैं। जिनकी 10 एकड़ जमीन है वो कह रहे हैं हमें 15 लाख चाहिए, जिनकी 20 एकड़ जमीन है वो कह रहे हैं 25 लाख चाहिए, और जिनकी सरकारी जॉब है वो तो 25 के नीचे कोई बात ही नहीं है। मतलब जितनी बड़ी पोस्ट उतना ज्यादा पैसा लड़की वालों से लेते हैं। अच्छा मैया ये बताओ, आपने अपना बेटा इसलिए पैदा किया है कि बाजार में बेच दोगी? मतलब तुम भी मां नहीं हो, तुम भी व्यापारी हो, तुम बाप नहीं हो, तुम व्यापारी हो। तुमने बच्चे पैदा किए इसलिए कि हम बेचेंगे बच्चों को 10 लाख में, 20 लाख में, 50 लाख में बेचेंगे, इसलिए पैदा किया था महाराज? एक तो है बेटा, एक ही तो बेटा है, 30 लाख तो लेंगे कम से कम। 30 लाख में बेच दोगी अपने बेटे को मेरी मां? मतलब तुम्हारे बेटे की वैल्यू 30 लाख है, और आप तो मांगते हो 30-30 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए। मैं कह देता हूं नौजवान भाइयों आपसे, तुम्हारे मां बाप तुम्हारी बोलियां लगाएं तो कह देना अपने मां बाप से, मम्मी पापा से, अपने माता पिता से, पिताजी मैं कोई बिकाऊ नहीं हूं, मैं कोई
बेकाऊ पुरुष नहीं हूं कि मुझे बोली लगा के बेचा जाए। मैं कहूंगा नौजवान दोस्तों से, नौजवान भाइयों से, अपने आप को इतना योग्य बनाना मेरे भाइयों, इतना योग्य बनाना। आपको दहेज में गाड़ी चाहिए? आपको दहेज में पैसा चाहिए? अरे इतना योग्य बनाओ कि आपको किसी के सामने हाथ फैला के मांगने की जरूरत ही ना पड़े। इतना योग्य बनाओ कि आप अपने सपने अपनी मेहनत के बल पर साकार कर सको। गाड़ी का सपना है तो अपनी मेहनत से गाड़ी खरीदो। क्या ससुर की गाड़ी पर बैठ के चल रहे हो? फिर तो गाड़ी ससुर की है, तुम तो केवल ड्राइवर हो। तुम क्या हो? ओनली ड्राइवर। भिखमंगों की औकात कितनी होती है? तुम अपने आप को भिखमंगों की लिस्ट में शामिल ना करना। मंदिर के बाहर